हेलो एवरीबॉडी, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से पोएट्री द स्नेक ट्राइंग। इस खूबसूरत पोएट्री को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। WWE रॉस के द्वारा कंपोज की हुई खूबसूरत पोएम द स्नेक ट्राइंग। The poet is trying to bring home the point that all snakes are not poisonous, but some of them are. इस कविता के जरिए कवि हमें बता रहे हैं कि दुनिया भर के सभी सांप poisonous नहीं होते हैं, हाँ कुछ होते हैं। Even those which are poisonous bite a man only when they see a danger from him. यहाँ तक कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं वो भी एक मनुष्य को तभी काटते हैं जब उन्हें खुद को खतरा महसूस हो रहा हो मनुष्य से। Undisturbed a snake poses no danger to a human being. जिस सांप को डिस्टर्ब नहीं किया जाता वो भी कभी किसी मनुष्य को नहीं काटता। But we have been taught that snake, whenever seen, it must be killed. Yes, we have been taught that a snake, poisonous or non-poisonous, deserves to be killed as soon as it is seen. हमें यही बताया जाता है कि जब भी आप किसी स्नेक को देखें, चाहे वो पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो, बस उसे मार दो, बिना सोचे समझे उसके ऊपर प्रहार कर दो। This is nothing but thoughtless cruelty on our part. ये सिर्फ एक निर्दयता है और कुछ नहीं। भाई जो हमारे लिए खतरा है ही नहीं, हम उसे क्यों मारते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि इससे आपको खतरा है इसलिए मार दीजिए। पहले हम समझ तो लें कि उससे वाकई में उस समय हमें खतरा है भी या नहीं है। We must suppress our instinct to kill a snake even when it poses no threat to our life. After all, a snake too is a beautiful and graceful creation of God. हमें किसी भी सांप को मारने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो हमारे लिए खतरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक सांप भी तो ईश्वर के द्वारा रची इस प्रकृति की खूबसूरत रचना ही है। उस नजर से उसे देखो तो सही, बड़ा खूबसूरत लगेगा एक सांप भी जब वो हमारे जीवन को खतरा नहीं पहुंचा रहा होगा। अगर हमें खतरा है उससे तो हम मारें, लेकिन बिना सोचे समझे वो कहीं जा रहा है, जाता दिख रहा है तो भी हम उसके पीछे जाके उसको मारने दौड़ेंगे। अपनी इस कविता के जरिए कवि ने हमें यही मैसेज दिया है कि हमें अननेसेसरीली स्नेक्स को नहीं मारना चाहिए। इन हिज फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक with sudden carvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. अपने फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने हमें एक स्नेक की शेप के बारे में बताते हुए खूबसूरती से वर्णन किया है कि सांप जो उस छड़ी से बचने के लिए जो उसे चोट मारकर मार देना चाहती थी, तीव्र गति से अपनी बॉडी को कर्व करता हुआ दौड़ जाता है। उसका पतला लंबा शरीर और उसकी वो कर्व करती हुई गति बड़ी आकर्षक और आनंददायक दिखाई देती है। बहुत ही ग्रेसफुल नजर आता है एक सांप जब वो अपनी बॉडी को कर्व करता हुआ जाता है। लेकिन ये बात हम तब समझेंगे जब उस सांप को मारने से पहले हम उसे समझेंगे कि ये क्या हमारे लिए खतरा है या नहीं। अगर हम मानसिक रूप से पहले ही तैयार हो जाएंगे कि बस ये दिख गया इसको मार दो, तो हम उसकी खूबसूरती को नहीं देख पाएंगे, हम उसके निर्दोष होने पर नहीं विचार कर पाएंगे।
In his second stanza, the poet says about the snake, "He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children." अपने सेकंड स्टेंजा में एक वाटर स्नेक के बारे में हमें बता रहे हैं कवि, और कहते हैं कि वो सांप आहिस्ता एवं लगातार धीरे धीरे कंटिन्यूअसली अपनी कर बॉडी से गति करता हुआ पानी में तैरता हुआ चला जाता है, ताकि उसका पीछा कर रही छड़ी को संभावित चोट से बच सके। यानी जो छड़ी उसके पीछे पीछे आ रही है उसके ऊपर मारने के लिए, वह उससे बच सके। कवि पीछा करने वाले व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वह सांप को बिना चोट पहुंचाए पानी के ऊपर से होकर चले जाने दे, तथा स्वयं को जलीय पौधों के बीच छिपा लेने दे। यह सांप छोटा है, हरे रंग का है और बच्चों को भी हानि नहीं पहुंचाता है। जी हाँ, वाटर स्नेक जो होते हैं वो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको नजर आ जाए तो उसे जाने दे उस पानी में, उसे छिपने दे उन छोटे छोटे उन पौधों में जो पानी में है उनके बीच में जाके, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके इस आकर्षक क्रिया को देखकर आनंदित होइए। In his third stanza, the poet says, "Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds." यहाँ वाटर स्नेक के बारे में कवि हमें आगे बताते हैं कि सांप एक जल स्रोत के रेतीले किनारे पर लेटा हुआ था, यानी जिस जल के सांप को मारने के लिए व्यक्ति दौड़ा, उसके लिए कहते हैं कि वो तो किनारे पर जो वाटर सोर्सेस है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, जहां किनारे पर वो नजर आया वहां के बारे में वो कह रहा है कि वो तो मिट्टी में लेटा हुआ था, जिसे देखते ही उसे वहां से भगा दिया गया, फिर उसे देख लिया गया और वहां से दूर धकेल दिया गया। अब वह हरे पतले जलीय पौधे के बीच पानी की छोटी छोटी लहरों में जाकर गायब हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो सांप पानी की उन लहरों के बीच से होते हुए जाकर उस जलीय पौधों के बीच अपने आप को छिपा लेता है। आप जिस सांप से डर रहे हैं वो तो खुद डरा हुआ है, जो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और हम उसे मारने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पोएट ने हमें मैसेज दिया है कि डोंट किल स्नेक्स अंटिल दे आर हार्मफुल टू अस, जब तक वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं आप उन्हें हानि मत पहुंचाइए। वो अगर जा रहा है उसे जाने दीजिए, आपकी ओर वो आ रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, या आपके घर में घुस आया है और वो नहीं निकल रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की क्रिया में नजर आ रहा है, तो फिर भी हम समझ सकते हैं इस बात को कि हम उसको भगाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मार रहे हैं। लेकिन एक सांप सड़क पे जाता हुआ है, किसी ऐसे ही वाटर सोर्स के पास वहाँ किनारे पर बैठा है और आपका रास्ता ऐसे आप गुजर जाएंगे, तो उसे क्यों मार रहे हैं? अब आप उसकी खूबसूरती का आनंद तभी ले पाएंगे जब इस बात को समझेंगे कि सभी सांप एक तो हानिकारक नहीं होते, और जो पॉइजनस होते भी हैं वो भी केवल तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब उनको डिस्टर्ब किया जाता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।